नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र वर्मा। तो जितने भी किसान भाई सरसों की खेती करते हैं, ये वीडियो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सरसों में लगने वाले एफिड का नियंत्रण कैसे करें उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो किसान भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किसान भाई, एफिड का ETL लेवल जान लेते हैं। तो एफिड का ETL लेवल है 25 से 50 एफिड प्रति प्लांट। जब आपको 25 से 50 प्रति पौधे में दिखने लगे, तो आप उसमें इंसेक्टिसाइड का अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आप लोग उसमें इंसेक्टिसाइड अप्लाई ना करें। किसान भाई, एफिड के कंट्रोल के लिए कुछ केमिकल हैं जिसको मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो उसमें पहले नंबर पर है ऑक्सीडेमेटॉन, 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप लोग इसको छिड़काव करने हैं। और दूसरा होता है मिथाइल डेमेटॉन, 2 ml प्रति लीटर की दर से, है ना। और तीसरा होता है मीनाजोन, 0.34 kg, मतलब 340 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करने हैं। और इसके बाद होता है इमिडाक्लोपीड। इमिडाक्लोपीड को आप लोग 0.25 ml प्रति लीटर की दर से मिलाकर आप लोग अपने पूरे फील्ड में स्प्रे करने हैं। और उसके बाद आता है थाइमेथॉक्सॉन, ये अभी बहुत ही ट्रेड में है, ये बहुत ही यूज़फुल है थाइमेथॉक्सॉन को। इसको 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करने हैं। किसान भाई, ये जितना रसायन बताया हुए लगे हुए पौधे में लगे हुए एफिड को मारेगा, है ना। तो यदि आप लोग अगले वर्ष यदि आप सरसों की खेती और करना चाहते हैं, तो आप लोग टॉलरेंट वैरायटी, सहनशील वैरायटी का यूज़ करें, जिसमें से पहला है JM1 और दूसरा है RK9501। ये दोनों वैरायटी को आप लोग ग्रो करें, ताकि वो एफिड के प्रति सहन कर सकता है ये। भाई, अब रासायनिक विधि तो जान चुके हैं, अब इसके जैविक विधि भी जान लेते हैं कि हम लोग एफिड को जैविक तरीके से कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाई, इसमें पहला नंबर पर है लेडी बर्ड बीटल, जिसका फोटो आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दो स्पीसीज है, पहला है कॉक्सिनेल कॉक्सिनेल स्पीसीज, और दूसरा है चिनलोमोनस विसिना स्पीसीज। ये दोनों लेडी बर्ड बीटल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो उसको आप लोग अपने सरसों को फसल में छोड़ दें, तो ये एक एक लेडी बर्ड बीटल एक दिन में 10 से 15 एडल्ट एफिड को खाता है। 10 से 15 जितने भी परिपक्व एफिड है उसको खाता है। और यदि हम लोग 4-5 दिन इसको रखते हैं, तो वो लगभग आधे एफिड को खा सकते हैं। तो इसका यूज़ आप लोग ज़रूर करें। और दूसरा इंसेक्ट होता है किसान भाई, सारफिड फ्लाई, और इसके जेंथोग्रामा स्पीसीज का आप लोग यूज़ करें। ये सेम मधुमक्खी की तरह दिखते हैं, और इसे अपने फसल में छोड़ दें। ये तो ये भी लगभग एक दिन में 5 से 10 एफिड को खाते हैं। तो किसान भाई, सरसों के एफिड का कंट्रोल करने की जानकारी कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। और जितने भी आपके सरसों की खेती करने वाले किसान भाइयों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने सरसों के फसल में एफिड का नियंत्रण कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों।